अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं हूँ अपने एरिया के एक ऐसी जगह पे जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये है एकलेरा साइड पड़ जाता है। और आज लोग कहते हैं कि बारिश में सब हरा भरा हो जाता है, तो जैसे मेरे पीछे देख सकते हो सारी चीज़ें हैं और पूरी हरियाली है यहाँ पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं खरवासा की तरफ, जहाँ पे ऐसी नहर टाइप में नहाएंगे नहीं, लेकिन देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे होंगे, बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे होंगे। और मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ, पूरी हरियाली है, हर चीज़ हरा हरी भरी, पूरा मतलब पेड़ पौधे सब एकदम, और यहाँ पे हर चीज़ उगी हुई है। तो ये देखो सामने, और यहाँ से ये पूरा चालू होता है पूरा इलाका, पूरा पीछे जंगल टाइप में है। आयान किधर जा रहे अपने? खरवासा जाएंगे भाई। खरवासा जाएंगे, नहाएंगे, देखते हैं। अभी हम तो बारिश में नहाने आए थे। हाँ, बारिश में नहाने आए थे, लेकिन अभी देखते खरवासा में पानी होगा, पानी हो या ना हो मैं तो नहीं नहाने वाला हूँ, क्योंकि बारिश में नहाने का मज़ा कुछ अलग है और जो नहर का पानी उसमें नहाने का मज़ा कुछ अलग है। तो बारिश अगर होगी तो नहाऊँगा, वरना उसमें नहर में तो नहाने से राम है। तो अभी देखते रहो आगे वीडियो में क्या क्या होता है। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है, पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखना। और जो भी वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मिलने वाले हैं मेरे, और जो मुझे जानते हैं पर्सनली, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और टाइम की बात करूं, अभी तो टाइम हो रहा है 5 बज रहा है अभी, और 5 बजे का कुछ मौसम नहीं साइड है, वो जैसा पीछे नहीं, पूरा एकदम मौसम पूरा क्लाउडी मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी लग रही है ना ज़्यादा ठंडी लग रही है, मज़ा आ रहा है। और आगे देखोगे तो और मज़ा आने वाला है, जब तक वीडियो के लिए बने रहो। और ज़रा भी बोर नहीं होना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना बाकी है। और देखते ही देखते 15 से 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। ये है वो जगह जहाँ की मैं बात कर रहा था, ये है खरवासा, और ये सूरत से जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। काफी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपका बजट सापुतारा जाना नहीं हो पा रहा है, अगर आपका बजट उतना नहीं है, तो आप आराम से एक करोड़ हो रही है, तो बारिश में नहाते नहाते अभी घर तरफ जाएंगे। बाकी बहुत अच्छी जगह ये, अगर आप लोगों को ये जगह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जितने भी लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो उन तक शेयर करना, और दोस्तों के साथ प्लान बना कर आओ, इधर थोड़ा एंजॉय करो। और यहाँ पे देखो पूरे चारों तरफ हरियाली, और पीछे वाला मौसम सुपर। पीछे वाला मौसम कैसा है यार? एक नंबर भाई, मौसम पूरा, और काले बादल के साथ पूरा इलाका इतना खूबसूरत हो रखा है। और ये वाला इलाका देखो इधर, और वहाँ से सनसेट का भी दिख रहा है कि धीरे धीरे सनसेट आ रही है, बट स्टिल पूरे गांव वाली चीज़ में आप देख सकते हैं, वहाँ पे बाउंड्री है, बाकी ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इलाका है, सुकून भरी जिंदगी, आओ शांति से बैठ के दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, कि अगर आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो वो भी बताना। और भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है vlogbysam39।